और ये जो सिटी देख रहे हो दोस्तों आप लोग, ये है पीथमपुर जो कि है इंदौर में, और इंदौर से है करीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है ये पीथमपुर। और फिलहाल मैं अभी पीथमपुर में हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग इंडिया में कहीं भी चले जाइए, यहाँ पे मतलब श्री राम भक्त जरूर मिलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे श्री राम जी का झंडा लगा हुआ है। और मेरा नाम है श्याम और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल SYM Vlogs में, और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जा रहे हैं इंदौर, और यहाँ से दोस्तों इंदौर का किराया है 80 रुपया, पीथमपुर से इंदौर तक का 80 रुपया लगता है। और पहुँच चुके हैं दोस्तों हम लोग इंदौर, देख सकते हो यहाँ पे। और ये इंदौर के मतलब रेलवे स्टेशन के पास में है, तो चलिए रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग टिकट कटाएँगे जबलपुरी के लिए, जबलपुर के लिए टिकट कटाएंगे दोस्तों। 6:30 बजे का है ट्रेन यहाँ से जबलपुर के लिए, इंदौर से सीधे जबलपुर तक का। और हम लोग स्लीपर वाला टिकट कटाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं अकेले जाऊँगा तो बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है दिक्कत परेशानी, इसलिए मैं अकेले जाऊँगा, इसलिए मुझे स्लीपर टिकट चाहिए। और हम लोग ऑनलाइन टिकट क्लियर है दोस्तों, पर यहाँ पर मिला नहीं, तो आप ऑफलाइन देखते हैं। और हम लोग टिकट ले चुके हैं दोस्तों, टिकट ले चुके हैं दोस्तों, और निकल गए हैं वहाँ से रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन के रेल के पास जाने लगे हैं रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर ट्रेन रुकती है, देखिए पहुंच चुके हैं हम लोग रेल स्टेशन। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये है इंदौर जंक्शन, यहाँ पे रुकती है ट्रेन, देखिए। और ये जो ट्रेन खड़ी है ये जाएगी पटना, इंदौर से सीधे पटना जाती है वाली, और इसके बाद जो आने वाली है वो जाएगी जबलपुर इंदौर से। तो हम लोग अभी थोड़ा वेट करेंगे उसका, और 6:30 बजे यहाँ पर लगती है दोस्तों, और 7 बजे यहाँ से निकल जाती है। और अभी बजने वाले हैं करीब 6, और ये जो देख सकते हो दोस्तों ये जो ट्रेन देख रहे हो ये है मेट्रो ट्रेन, यहाँ मतलब ये जो ट्रेन है उसमें ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, 70 से 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से आसपास इधर से उधर होती है, मतलब बस जैसे इधर से उधर होती रहती है वाली ट्रेन जो आप लोग देख रहे हो जो जा रही है। और दोस्तों यहाँ से जो है जबलपुर इंदौर से जो है जबलपुर करीबन 500 या 600 किलोमीटर दूरी, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, और इतनी दूरी जो मैं अकेले तय करने वाला हूँ, अकेले तय करने वाला हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि स्लीपर वाला टिकट ले लूँ, पर वो जो है मिला नहीं, तो चांसल में भी जाएंगे अब, और स्लीपर इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक दिन पहले ही बुक करना पड़ता है जो मैंने किया था, इसीलिए अब चांसल में ही जाएंगे, देखते हैं सबसे पहले से जाएंगे तो अच्छा होगा। और देख ही सकते हैं आप कितनी लाइन है, ये ट्रेन जो है दोस्तों बहुत धीरे चल रही है, इसलिए आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, और लंबा भी है। और जिस ट्रेन पर मैं खड़ा हूँ ये जाने वाली है पटना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, और मुझे छोड़ने आया था मेरा एक दोस्त छोटू, मतलब पप्पू नाम उसका। और फाइनली दोस्तों मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, सीट भी मिल चुका है, और अभी बज चुके हैं 7, देख सकते हो 7 बज चुके हैं, और यहाँ से ट्रेन जो निकल चुकी है और इटारसी पहुँच गए दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हो उस साइड एक ट्रेन और जा रही है, ट्रेन कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता। और 6:30 मतलब 7 से निकली है दोस्तों, और जबलपुर पहुँचाएगी हमको ये ट्रेन जो है 6 तक पहुँचा देगी, 6 सुबह के 6 तक, तो करीबन 12 या 11 घंटे का रास्ता है। और देख सकते हो आप लोग सब कोई सो चुके हैं ट्रेन पे, और मैं नहीं सोया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं
कहीं कोई फ़ोन कुछ चोर ना लें करके, और अकेले था इसलिए मुझे सोना ठीक नहीं लगा दोस्तों, इसलिए मैं नहीं सोया था। और देख सकते हो आप लोग अभी रात है और ट्रेन चल रही है, और हम लोग कई जगह रुकते रुकते हैं, मतलब कई स्टेशन पड़े वहाँ पर रुके ट्रेन, इसलिए थोड़ा और लेट होते जा रहा है। देख ही सकते हो मैं सुनील सा कैसा, मतलब सुनील सिंह आप लोगों को, और फाइनली दोस्तों सुबह हो चुकी है और हम लोग पहुंचने वाले हैं जबलपुर। पहुंच चुके हैं दोस्तों जबलपुर स्टेशन, देख सकते हो आप लोग। और मैं अब निकलता हूँ यहाँ से बाहर, तो देखिए पहुंच चुका हूँ मैं जबलपुर, और मैंने फ्रेश हो लिया, ब्रश व्रेस सब कुछ कर लिया दोस्तों वहाँ रेलवे स्टेशन में। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा बस स्टैंड, दीनदयाल बस स्टैंड, वहाँ से जाना है हम लोग इंदौरी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, और देख सकते हो यहाँ पर कुछ प्रकार का सीन है जबलपुर का। और यहाँ पर जो दोस्तों पानी गिरा है, मतलब पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए सुबह सुबह कुछ प्रकार से माहौल है, देख सकते हो आप लोग। क्लीन स्टेशन, क्लीन स्टेशन जबलपुर स्टेशन है ये दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ से मैं लूँगा ऑटो, मतलब ऑटो पकड़ूँगा और जाऊँगा उसमें जबलपुर, उसको क्या बोलते हैं दीनदयाल बस स्टैंड। चलिए चलते हैं। और ऑटो जो मैं बैठ चुका हूँ दोस्तों, ऑटो में बैठ चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ का किराया जो है, मतलब स्टेशन से बस स्टैंड तक किराया जो है 40 रुपये बोल रहे हैं ये, और 5 किलोमीटर पर और 40 रुपये ले रहे हैं। मैं उनसे अच्छे से पूछा कि कुछ कम कर लो ये वो करके, पर नहीं कर रहे, नहीं लगता है बोल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इसी में। और इस प्रकार का कुछ यहाँ पे हिरन देखिए, और जब मैं ब्लॉग बना रहा था दोस्तों तो मैं वहाँ पे क्या बोलते हैं वॉइस नहीं कर रहा था, इसलिए घर पे आके ओवर वॉइस कर रहा हूँ। और देखिए मैं ऑटो में बैठ गया हूँ दीनदयाल बस स्टैंड के लिए। और फाइनल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं दीनदयाल बस स्टैंड, देख सकते हैं आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। तो चलिए दिखा दूं मैं आप लोगों को दीनदयाल बस स्टैंड जबलपुर का, लोगों को अंदर से दिखाऊंगा यहां पे कैसा है। मैं एक बार और आया था यहां पे, और ये चलिए आप लोगों के लिए चलता हूँ मैं अंदर की ओर, और देखते हैं वहाँ पर ऐसा है कैसा नहीं। और मैं हूँ अकेले, आप लोग पता ही होगा कि मैं अकेले आया हूँ इंदौर से यहाँ तक, और यहाँ से कि अकेले ही जाऊँगा दोस्तों, कोई भाई। तो चलिए अब इंतर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ कुछ नज़ारा जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर लोग। और यहाँ पे है दोस्तों वेटिंग हॉल, यहाँ पे जो है यात्री लोग जो है अपना मतलब बस का इंतज़ार करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे, देखिए आप लोग वेट करने वालों के लिए, देख सकते हो आप लोग। खैर मुझे वेट नहीं करना है, मेरे को जाना है मतलब डिंडौरी जाना है मेरे को। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड की ओर, तो पता करते हैं कितने बजे की बस कैसा है कैसा नहीं। और फिलहाल होने से दोस्तों, और बस स्टैंड के अंदर आप लोगों को इन दुकान दिखेंगे, देख सकते हो आप लोग, जहाँ पे आप लोग कई कुछ ले सकते हो और खा सकते हो, खाने के लिए बहुत कुछ होटल वगैरह उपलब्ध है इस बस स्टैंड के अंदर, देखिए। और काफ़ी बड़ा है यहाँ का स्टैंड, देखिए। और यहाँ से शुरू होते हैं बस, मतलब बस यहीं से लगते हैं आप लोग, यहाँ से मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ जाते होंगे बस,
लगभग सभी जगह जाती होंगी, सभी सिटी मतलब सभी शहर जाते होंगे यहाँ से। तो चलिए हम अपना बस का पता करते हैं हिंडौन जाने के लिए। और देख सकते हो उस तरफ भी कुछ बस खड़ी हुई है। और खाने के लिए मैं भी कुछ ले लिया हूँ दोस्तों। और फाइनली मुझे मिल चुकी है बस, और बस में बैठ चुका हूँ। और बस जो है पूरा खाली है देख सकते हो। और अभी बज रहे हैं सुबह 7, ये बस जो है 7 बजे वाली है और 12 बजे पहुँचाएगी हमको इंदौर ही। अभी पूरा खाली है तो अच्छा है, अभी सामने बैठा हूँ। और निकल चुके हैं दोस्तों हम लोग गिंदौरी के लिए। देखिए निकल चुके हैं, मैं सीट में बैठ चुका हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कुंडम साइड पानी जो है बहुत तेज से गिर रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो मैं आप लोगों को फिर से आगे दिखा, मतलब मैं आगे जाकर फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ सामने का नज़ारा। और बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मतलब बस में सफ़र कर रहे हैं और पानी गिर रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। और देखिए सामने से कुछ उस प्रकार का है, सामने जो है कुछ दिख नहीं रहा है बहुत, क्योंकि बहुत तेज पानी मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए नहीं दिखता है कुछ। और अभी हम कुंडम क्रॉस ही किए हैं दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है मतलब। और पहुंच चुके हैं गिंदौरी में, बीच का ज़्यादा छूट नहीं किया हूं। और ये है जोगी टिकरिया, देख सकते हैं आप लोग, अगर कोई गिंदौरी से होंगे तो जानते होंगे जोगी टिकरी का पुल है। और ये है अमरनाथ जी। और यहाँ पे जो है ट्रैक जो है खराब हुआ है। और हम लोग पहुँच चुके हैं रिंदौरी, और ये है रिंदौरी का मिडवे ट्रिप। और अब पहुँच चुके हैं दोस्तों हम लोग बस स्टैंड, मतलब रिंदौरी के अंदर इंटर कर चुके हैं, देख सकते हो बस स्टैंड पहुँच चुके हैं। और पहुँच चुके हैं हम लोग बस स्टैंड, देख सकते हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग इस वीडियो में के माध्यम से कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक कर देना और चैनल पे अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।